वेलकम बैक गाइस। तो ये वीडियो होने वाला है प्रीवियस वर के ऊपर और इसमें कुछ बेहतरीन अटैक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और देखते रहिए वीडियो को। तो एनिमी उतना ज़्यादा इजी भी नहीं था, उतना ज़्यादा मतलब ठीक ठाक था एनिमी, और हम लोगों के अटैक की वजह से उनका हौसला टूट गया। तो पहला वाला अटैक देखते हैं नंबर 4 में, और इसको अटैक किया सुमन ने। तो इसका अटैक देखते हैं, ये जो अटैक हुआ ये हाइब्रिड हुआ, क्विंचेस हाइब्रिड। तो चलिए देखते हैं क्विंचेस हाइब्रिड, टाउनल 13 वर्सेस टाउनल 13। फनील के लिए पहले सुपर गॉब्लिन को उतारा गया ताकि अच्छे तरीके से फनील ये ले सके। फिर बैलून आएंगे ब्लैक माइंस या फिर रेड माइंस को, एयर बम वगैरह को ट्रिगर करने के लिए। क्विंचर क्वीन आ गया हीलर के साथ, और अभी क्लैन कैसल क्लियर होगा, पॉइजन भी आ चुका है। तो अभी थोड़ा होल्ड करते हैं। एक बेलून और बेबी को भी डिप्लॉय किया गया है ताकि थोड़ा बहुत फनील ले सके, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ डिप्लॉय किया गया और किस लिए डिप्लॉय किया गया इधर। अच्छा ठीक है, किंग भी डिप्लॉय कर दिया गया है। अभी एक हेड हंटर चाहिए होगा, तो भाई ने हेड हंटर भी डिप्लॉय कर दिया। तो अभी तक तो अटैक बढ़िया जा रहा है, देखते हैं। अच्छा ठीक है, एक वॉल ब्रेकर आया सुपर वॉल ब्रेकर ताकि वॉल ब्रेक कर सके। क्वीन से हमारा एक्सपोज और स्केटर लेने का प्लान है। क्वीन वर्सेस क्वीन, एक फ्रीज आया। अरे भाई साहब, इधर कहाँ डिप्लॉय किया गया है सीजवेरा को, मुझे पता ही नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है देखते हैं, वैसे तो बेस 3 स्टार हो गया था, अभी देखते हैं क्या कैसे कैसे 3 स्टार गया। क्वीन को तो बहुत रिस्क लग रहा है, क्वीन तो अभी जाने वाला है मुझे लगता है। लो भाई साहब, भाई भी ट्रायल दिया गया टाउन के ऊपर कोर पे, क्वीन डेड हो चुका है। अच्छा चलो जी, अभी बेस में एक स्केटर शॉट है जो बहुत दिक्कत दे रहा है क्लैन कैसल का। हॉक भी निकल चुका है, वार्डन एबिलिटी आ गया है, टाउन हॉल डाउन हो चुका है। तो अभी बेस देखने वाली चीज़ एक स्केटर बचा है और ईगल बचा है, और ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि एक सिंगल इन्फर्नो है, ये तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा का। तो देखते हैं आगे, वन हॉक वर्सेस स्केटर, भाई साहब स्केटर डाउन हो चुका है, बहुत अच्छी बात है ये। आरसी की एबिलिटी भी नहीं है, जैसे हॉक बहुत बहुत है सिंगल इन्फर्नो के सामने, बहुत सारा हॉक, इन्फर्नो कुछ नहीं उखाड़ पाया। अभी थोड़ा स्पीड कर देते हैं, क्लीन भी बचा है, बेस तो पूरा डाउन हो चुका है। वैसे ये अटैक मुझे आगे से पीछे तक कुछ समझ में नहीं आया, तो किसी तरह ये बेस क्लियर हो चुका है। 99% और ये 100% हो गया। तो ये था हमारा हाइब्रिड आर्मी, अभी चलते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर, 3 नंबर पे मास्टर दा का अटैक हुआ है, और ये भी है क्वीन चार्ज हाइब्रिड। तो इस बेस का जो प्लान है, इस बेस का प्लान इजी सा है, टाउन हॉल से क्वीन, क्वीन को टाउन हॉल, सॉरी टाउन हॉल को क्वीन से लिया जाएगा, और कोर में हमारा हाइब्रिड आर्मी डिप्लॉय किया जाएगा, ये प्लान था। तो वॉल ब्रेकर आ चुका है, एक एक 4 वॉल ब्रेकर टोटल लिया गया है। अभी और एक वॉल ब्रेकर आएगा, और फनल भी अच्छे तरीके से बन चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वीन एकदम अंदर ही जाएगा क्योंकि इधर ही आ रहा है क्वीन, दूसरे वॉल ब्रेकर मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और 2 वॉल ब्रेकर है तो आराम से हो जाएगा। अभी एनिमी क्लैन कैसल भी निकल चुका है, पॉइजन आएगा एनिमी क्लैन कैसल के ऊपर। तो अटैक तो बहुत बढ़िया जा रहा है, उधर से आउटसाइड फनल बन रहा है किंग, किंग से किंग और सीज पे रख, थोड़ा अर्ली हाइब्रिड डेवलपमेंट क्यों, वरना टाइम की दिक्कत हो सकती है। और अर्ली हाइब्रिड डेवलपमेंट इसीलिए भी हुआ क्योंकि डैमेज थोड़ा स्प्लिट हो सके। तो डैमेज स्प्लिट होने से क्या होगा, एक तरफ सब मतलब डिफेंस टारगेटेड नहीं रहेंगे, क्वीन या फिर आउटसाइड फनल मतलब स्प्रेड हो जाएंगे, और इसमें बहुत अच्छा है। अभी तो क्वीन वर्सेस टाउन हॉल चल रहा है, तो टाउन हॉल तो डाउन कर चुकी है, कर ले गया, हाँ कर हो गया टाउन हॉल डाउन। अभी हीलिंग स्पेल भी डाला गया ताकि हाइब्रिड आर्मी जिंदा रहे। स्केटर को फ्रीज कर दिया गया है क्योंकि स्केटर बहुत दिक्कत, और इस तरफ आ गया है क्वीन के सामने सारे हीरोज, साथ में एक सिंगल इन्फर्नो भी है,
जो मुझे नहीं लगता कुछ उखाड़ पाएगा। तो वैसे क्वीन और सिंगल इन्फर्नो का चल रहा है, अभी फ्रीज कर दिया गया क्योंकि एक फ्रीज था हम लोगों के पास और बेस 3 स्टार हो चुका है। बस मतलब बेस का पूरा नक्शा ही बदल दिया गया, तो बहुत ट्रिकी सा था ये अटैक, तो बहुत मज़ा आया देखने में। अभी चलते हैं अगले अटैक की तरफ और अगले देखेंगे 2 नंबर। इसमें भी मास्टर डक के द्वारा क्वीन चार्ज हाइब्रिड किया गया है। तो इस बेस का प्लानिंग कुछ इस तरह था, क्वीन के द्वारा टाउन हॉल को लिया जाएगा, सेम ही था अप्रोच, और कोर में हाइब्रिड डाला जाएगा, आउटसाइड फनल किया जाएगा हीरोज से, मतलब किंग और सीज बैरक से। हम लोग का वही 4 वॉल ब्रेकर है, तो एक वॉल ब्रेकर को इधर और एक वॉल ब्रेकर को क्लैन कैसल लोड करने के लिए यूज़ किया गया है। अभी क्लैन कैसल निकल रहा है। वैसे तीन तीन सिंगल इन्फर्नो है इधर, और सिंगल इन्फर्नो के सामने क्लैन कैसल को टेक डाउन करना तो बहुत मतलब रिस्की सा काम है। तो अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है आप ज़रूर कर सकते हैं, वरना बिना एक्सपीरियंस के तो सर जी ऐसा करना बहुत ही रिस्की सा है। सिंगल इन्फर्नो के साथ स्कैटर के सामने एक साथ आप क्लैन कैसल को डाउन करो, बहुत रिस्की है, क्वीन नहीं बचती। तो 3 फ्रेज था, 3 फ्रेज की बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मास्टर द टाउन हॉल भी टेक डाउन हो चुका है। तो अभी क्वीन जितना वैल्यू निकालना चाहती थी उतना वैल्यू क्वीन निकल चुकी है। अभी क्वीन का इतना ज़रूरत नहीं है। अभी हाइब्रिड की तरफ हम देखते हैं, तो हाइब्रिड आउटसाइड फनल कर रहा है पिक का, और किंग तो अंदर घुस चुका है, वार्डन एबिलिटी भी डाल दिया गया, हीलिंग स्पेल बचा है 2, और हम लोगों का क्वीन भी डाउन हो चुका है, जो कि बहुत अफसोस वाली बात है। लेकिन कोर पे हाइब्रिड आर्मी है हीलर के सपोर्ट में, और ये बेस लगभग लगभग 60% तक टेक डाउन हो चुका है। एनिमी क्लैन कैसल भी आ चुका है, मतलब सॉरी सॉरी क्लैन कैसल के हॉक भी आ चुका है, और विजर ने वो ईगल भी डाउन कर दिया। अभी तो बेस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, एक एक इन्फर्नो है सिंगल, तो सिंगल इन्फर्नो ज़्यादा कुछ उखा नहीं पाएगी हॉक के सामने, ये बेकार सा है। तो सिंगल इन्फर्नो भी अच्छा, रॉयल चैंपियन भी बचा है इधर, तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। और ये भाई साहब इधर स्केलेटन इतना सारा निकला, मतलब बहुत सारा स्केले निकल गया। वैसे की का भी फुल हेल्थ के साथ जिंदा है, ये आराम से 3 स्टार हो जाएगा, और ये 3 स्टार हो चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अटैक, और ये अटैक मैंने किया था नंबर 1 पे, और ज़्यादा अटैक करने का मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि बाकी सब लोगों ने सब कुछ क्लियर कर दिया। तो ये है अटैक, और ये है नूपसा अटैक, स्पेम सा नूपसा अटैक है। इलेक्ट्रो ड्रैगन को, इलेक्ट्रो नहीं सॉरी सुपर ड्रैगन को स्पेम किया नूबरे की तरह, और किसी तरह ये बेस 3 स्टार हो चुका है, तो इसलिए मैंने आखिर में इस बेस को रखा है। तो नॉर्मल से अटैक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से एक साइड हीरो से फनल मैंने किया, और आउटसाइड फनल के नॉर्मल से ड्रैगन से, और डिप्लॉय किया बैटल ब्लिंक को ताकि टाउन हॉल तक जा सके, और टाउन हॉल के ऊपर स्केटर को लेते हुए मैंने क्लोन डाल दिया ताकि इजी सा मतलब इजी तरीके से क्लोन के द्वारा जो स्केटर है वो डाउन हो जाए। तो बेस में बचा क्या है, कुछ नहीं, और 1 मिनट बचा है अटैक का। तो आप देख सकते हो हीरोज भी फुल हेल्थ के साथ बचा है, जैसे एबिलिटी ख़त्म हो गया, क्वीन का एबिलिटी अभी बाकी है। एक मल्टी टारगेट इन्फर्नो है जो कि मुझे नहीं लगता कुछ उखाड़ पाएंगे सुपर ड्रैगन के, और वैसे वैसे देखा जाए तो बेस में एनिमी क्वीन अभी तक जिंदा है, टेस्ला फार्म भी है, और किंग है, तो किंग तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो किंग वर्सेस क्वीन हो रहा है, हम लोगों ने क्वीन का भी एबिलिटी डाल दिया। अभी क्वीन वर्सेस सुपर ड्रैगन, ओ भाई ये क्वीन तो अश्वत्थामा निकला, एक सुपर ड्रैगन को खा गए, 2 सुपर ड्रैगन को खा गए, नॉर्मल ड्रैगन को भी खा गए, ओ भाई साहब ये क्वीन नहीं है तो अश्वत्थामा निकला, भाई साहब क्या ही बोलो। ठीक है कोई नहीं,
दो और सुपर ड्रैगन है, कितने को मारेगी अकेला? तो भाई साहब ये 3 स्टार हो चुका है। तो ये वीडियो इतना तक ही था आज का वीडियो। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो पे। गुड बाय एंड टेक केयर।